इकरा जैनब, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने आपको निशाने हैदर के हामिल शोहदा पर मबनी अपनी गुज़श्ता किश्त में मेजर तुफैल मोहम्मद के बारे में तफसीलात से आगाह किया था। आज मैं आपको पाकिस्तान के नामवर सपूत राजा अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर के बारे में बताऊंगी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको इन इकसात की नोटिफिकेशन बरवक्त मौसूल हो सके। मेजर राजा अजीज भट्टी 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए, जहां उनके वालिद राजा अब्दुल्ला भट्टी अपनी मुलाजमत के सिलसिले में मुकीम थे। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद ये घराना वापस लादियां गुजरात चला आया, जो उनका आबाई गांव हुआ करता था। राजा अजीज भट्टी कयाम पाकिस्तान के बाद 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA में शामिल हुए। 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड में इन्हें शहीद मिलत खान लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के एजाज के अलावा एजाजी शमशीर और नॉर्मन गोल्ड मेडल के एजाज से नवाजा। फिर उन्होंने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की और 1956 में तरक्की करते करते मेजर बन गए। 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। इस कंपनी के 2 पलटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मतयन पलटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इन हालात में कि जब दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और इसे तोपखाने और टैंकों की पूरी इमदाद हासिल थी, मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों ने आहनी अजम के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशंस पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर पर भरपूर हमले के लिए एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज भट्टी को इस सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया, मगर जब वो लड़ भड़ कर रास्ता बनाते हुए नहर के इस किनारे पहुंचे तो दुश्मन उस मकाम पर कब्जा कर चुका था। तो उन्होंने एक इंतहाई संगीन हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को उस इलाके से निकाल बाहर किया और फिर उस वक्त तक दुश्मन की जद में खड़े रहे जब तक उनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार ना पहुंच गईं। उन्होंने नहर के इस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दिफा के लिए मुनज़्ज़म किया। अब दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपना आग बरसा रहा था, मगर राजा अजीज भट्टी ना सिर्फ उसके शदीद दबाव का सामना करते रहे बल्कि उसके हमले का ताबड़तोड़ जवाब भी देते रहे। इसी दौरान दुश्मन के एक टैंक का गोला इन पर आ लगा, जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गए और वो 12 सितंबर 1965 को जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। 26 सितंबर 1965 को जब सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाक फौज के 94
और फौजियों को जंगे सितंबर में बहादुरी के नमाया कारनामे अंजाम देने पर मुख्तलिफ तमगों और एजाजात से नवाजा। इन एजाजात में सबसे बड़ा तमगा निशान हैदर था, जो कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को अता किया गया। राजा अजीज भट्टी शहीद ये एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत थे। ऐसी बेमिसाल शहादत पे किसी शायर ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए क्या खूब फरमाया है। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा उतरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की किश्त पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह कर सकते हैं। इसी तरह की मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फी अमान अल्लाह।